हेलो फ्रेंड्स, और क्या आप लोगों ने कभी और क्या कभी आपने खूबसूरत लड़कियों को अपना दांत काला करते हुए देखा है? फटा हुआ और लटका हुआ जीन्स तो आजकल सभी लोग पहनते हैं, पर क्या आपने कभी किसी को कीचड़ से रगड़ा हुआ जीन्स पहनते हुए देखा है? आखिर कौन पैसा देके दाग धब्बे वाला जीन्स खरीदता है बे? मतलब फैशन के नाम पे साले कुछ भी करेंगे अब। अगर आपको कोई सर से लेकर पांव तक पूरा कपड़ों से ढकने को कहेगा तो क्या आप खुद को ढक पाओगे इन जेंटाइज की तरह? और बात सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं है, क्या आप अपना सर उठा पाएंगे इस 5 किलो भारी विग के साथ? 5 किलो नहीं, 6 किलो, 6 किलो का विग है। वेल, दुनिया में वेशभूषा के और फैशन के अलग अलग तौर तरीके हैं, ऐसे तरीके जिनके पीछे का राज जानकर आप खुद ही हैरान हो जाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड द मोस्ट बिजार फैशन ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड। नंबर 1, कोट विग। ऑर्डर। ये कोट हियरिंग आपको ये विग ऑर्डर करने का ऑर्डर देता है। एंड द कोट इज एडजर्न। ये कोट विग पहनना आखिर जजेस के लिए क्यों कंपलसरी कराया गया? आखिर कहां से आया इनको इतना बकवास आइडिया? वेल, ये बात है 17th सेंचुरी की, जब फ्रांस के अमीर लोग घर के बाहर कदम रखते थे, वे इस कर्ली व्हाइट हिक को अपने सर पे अटकाए रखते थे, ये जताने के लिए कि वो हाई है, हाई और सोफिस्टिकेटेड रिच क्लास से बिलोंग करते हैं। इन शॉर्ट, गरीबों के नाक अपने पैर पे रगड़वाने के लिए। और इसी विग स्टाइल से प्रेरित होकर ब्रिटेन में किंग के कुछ चमचे यही विग लगाकर फिर घूमने लगे। और ये ट्रेंड फिर इतना फैल गया कि 17th सेंचुरी में ही इंग्लिश कोर्ट्स ने इस प्रथा को एक कदम आगे ही बढ़ा डाला। सारे जजेस के लिए ये विग पहनना कंपलसरी बना दिया गया, और तब से लेकर आज तक इस विग को कोट विग कहकर लोग पुकारते हैं। इस विग के स्टाइल को भी भूलते गए, पर हमारा अंग्रेजी कोट आज तक इस विग को नहीं भूला। कड़ी से कड़ी धूप क्यों ना हो या कड़ी से कड़ी गर्मी क्यों ना हो, एक बार बोला ना ये विग सर से नहीं उतर सकता। बाय द वे, ये विग को पहनने का मेन मकसद ये था कि वो जजेस को पार्शियली एनोनिमस बनने में मदद करती है। नंबर 2, लॉन्ग हॉर्न हेयरड्रेस। अब भाइयों, क्या आपने कभी लेडीज को अपने सर पर दो शेंडी लगाकर घूमते हुए देखा है? आई एम नॉट किडिंग, बट आज भी एक महिलाओं का झुंड जिसे कहा जाता है मियाओ, की ट्रेडिशनल लेडीज अपने सर पर ये भारी भड़कम शेंडी लेकर घूमती है। यहाँ तक की छोटी छोटी बच्चियां भी अपने छोटे से सर पर ये 6 किलो का भार उठाए रखती है। और सही समझे बंधु, ये लॉन्ग हॉर्न हेयरड्रेस का एक्चुअल वजन 6 किलो है। कैन यू बिलीव दैट? इसे अपने सर पे पहनना मतलब एक 2 साल के बच्चे को अपने सर पे बिठाना। ये मियाओ ग्रुप भर के देखने को मिलेगी, और इनफैक्ट इस ट्राइब की टोटल पॉपुलेशन 11 मिलियन है, और इनका रहन सहन सालों से नहीं बदला है। ये ब्लाइंडली अपने पुराने जमाने के रीति रिवाजों को फॉलो करते रहते हैं। और यहाँ की लेडीज को कंपल्सरीली ये लॉन्ग हॉर्न हेयरड्रेस पहन के रखना कंपल्सरी है। इसके बिना ये कदम रखने तक का भी नहीं सोच सकते हैं, और अपने छोटे से अंबोड़े में इनको एक वुडन पीस को अटकाना पड़ता है, और अटकाने के बाद इन्हें अपने दादी परदादी के बचे कुचे बालों का एक ढेर अपने इस हॉर्न पर लगाना होता है। यानी सदियों से इनकी दादी नानी अपने बेटियों को अपने बालों का गुच्छा देते आ रही है, जिससे उनका ये श्रृंगार जितना बड़ा हो सके उतना होता चला जाए। और बाय द वे, ये सब लोग क्यों करते हैं? क्योंकि जिसका अंबोड़ा सबसे बड़ा और सबसे घना होता है, उसकी गिनती वहां के सबसे अट्रैक्टिव, सबसे डिजायरेबल महिलाओं में होती है। नंबर 3, ग्वाराचेरो। जैसे मियाओ की लेडीज अपनी शेंडी अपने सर के ऊपर पहनती है, वैसे ही मेक्सिको के जेंट्स अपनी शेंडी नीचे। ये कोई आम बूट्स नहीं, देखने वाला जब भी इन बूट्स को पहली बार देखता है तो वो बस देखता रह जाता है। और ये बूट्स बाय द वे बनाए इसलिए गए थे ताकि लोग रुक कर इसे ताड़ते रहे और पहनने वाला अपने इस बड़े सूंड से अटेंशन ग्रैब कर सके। साल 2009 में जैसे से ट्रांस म्यूजिक फेमस होता गया, वैसे वैसे इन नए बूट्स का ट्रेंड भी मेक्सिको में छाने लगा। सो हुआ कि मेक्सिको के मैटे हुआला सिटी की एक पार्टी में कुछ लड़के गजब सा पॉइंटेड जूता पहने मजे में ट्राइबल म्यूजिक पर डांस कर रहे थे, और उनके इसी पॉइंटेड शूज और डांस को देखकर उनके ट्राइबल म्यूजिक और पॉइंटेड शूज दोनों की जगह-जगह पे चर्चा होने लग गई। और देखते ही देखते ये पॉइंटेड शूज एक फैशन का ट्रेंड बन गया। अब क्योंकि इसे ट्राइबल म्यूजिक पर पहनकर परफॉर्म करते हैं, आपको बता दूं ट्राइबल म्यूजिक को ट्राइबल ग्वाराचेरो भी कहते हैं, और इसीलिए मेक्सिकन पॉइंटी बूट्स को मेक्सिकन प्राउड
लाउडली ग्वारेचेरो कह के पुकारते हैं। और इन फैक्ट ये दुनिया भर में अब इतने फेमस हो गए हैं कि लोग इन मेक्सिकन आर्टिस्ट को अपने इवेंट्स और अपने फंक्शन में स्पेसिफिकली परफॉर्म करने के लिए बुलाते हैं। और इस तरह एक नया और अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड अब जाके मेक्सिको में उनके कल्चर और ट्रेडिशन का एक अहम हिस्सा बन गया। नंबर 4, विक्टोरियन ब्लैक टीथ। क्या आपने कभी इस काले दांत वाली खूबसूरत औरत को पहले कभी देखा है? ये तो टट्टी है। Well, इस लेडी ने तो एक जमाने में काले दांतों का ट्रेंड ही सेट कर दिया था। और ये लेडी और कोई भी नहीं बल्कि ब्रिटेन की आन बान शान क्वीन एलिजाबेथ थी। अब हुआ यूं कि हमारी महारानी को मीठा खाने का बहुत शौक था। वो आए दिन धपा धप चॉकलेट्स और टॉफीज खाती रहती थी, लेकिन दो बार ब्रश करना हमेशा भूल जाती, जिसके चलते उसके दांत एकदम सड़ गए। और अब गोरे गोरे मुखड़ों पे काला दांत देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। गोरे गोरे मुखड़े पे काला दांत। लेकिन ये स्त्री एक महारानी थी जो सभी मर्दों के दिल पे छाई हुई थी। और उसके काले दांतों की ये दास्तान से इंस्पायर होकर ब्रिटेन की सारी लेडीज अपने सफेद दांतों को एकदम काला डांबर की तरह कर दी। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और इस बात का एक और एक रीजन था, खुद को हाई क्लास का जताने के लिए। उस जमाने में शुगर कमोडिटीज में हाई टैक्स लगे होते थे। जाहिर सी बात है, ब्रिटेन की जो हाई क्लास सोसाइटी होगी, जो रिच क्लास है, वही लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे ज्यादा। पर मर्दों से भाव पाने के लिए यहाँ की लेडीज जानबूझकर अपने दांत काला कर देती थी कि हम रिच क्लास से हैं, बताने के लिए। नंबर 5, सैगिंग। अब फ्रेंड्स, आप में से कितनों को अपनी जीन्स अपने पिछवाड़े के नीचे पहनने की आदत है? आजकल तो लोग लो वेस्ट जीन्स के नाम पर अपना अक्खा गक्खा अंडरवेयर ही पब्लिक डिस्प्ले पर रख देते हैं कि आओ भाई देख लो हमारी भी सुपरमैन वाली अंडरवेयर। और कुछ लोगों का तो पीछे से व्यू ऐसा रहता है कि ऐसा लगता है कि हग दिया पैंट में। Well, 21st century की शुरुआत होते ही ये sagging यानी जीन्स को लो वेस्ट में पहनने की आदत सबसे पहले पूरे अमेरिका को छाने लगी। अब हुआ यूं कि सबसे पहले रैपर्स का एरा आता है और ये भाई बंधु अपने साथ अपने फैशन ट्रेंड्स को भी लेके आते हैं। जितना फास्ट इनका रैप होता था उतना ही ढीला इनका जीन्स होता था। अपनी पूरी चड्डी लिटरली ये ऑडियंस के मुंह पर फ्लैश कर देते थे। पर इस न्यू ट्रेंड के पीछे भी एक्चुअली में एक हिस्ट्री है। 1980s में अमेरिका के जेल में बंधे हुए बंदियों को एकदम लूज पिजामा पहना जाता था और वहां पर बेल्ट का तो दूरों दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता था। और इसके चलते इन जेलर्स को अपना ढीला ढाला पजामा पहन के ही काम को चलाना पड़ता था। और काम करने से ज्यादा वक्त तो इनका अपनी पतलून को ऊपर खींचने में जाता था। अपने भाइयों की इस पीढ़ा से संवेदना जताने के चक्कर में इन रैपर्स ने भी अपनी अपनी पैंटें नीचे गिराना स्टार्ट कर दिया। और तो और अपने रैप्स में इस चीज का जिक्र भी लगे। और बस यही से ये ट्रेंड वर्ल्ड वाइड छाने लग गया। और ये ट्रेंड इतना बढ़ गया था कि यूएस की गवर्नमेंट और उन्होंने इस ट्रेंड को ही पूरी तरीके से बैन कर दिया। और अब कोई भी अपनी चड्डी पब्लिकली फ्लैश करेगा उसे भारी पेनल्टी के साथ साथ जेल की सजा मुफ्त में फ्री मिलेगी। नंबर 6, कीचड़ छपाक जीन्स। अब फ्रेंड्स, एक होते हैं नॉर्मल लोग और फिर आते हैं बड़े लोग और फिर एंट्री होती है लेजेंड्स की, जो हजारों रुपए खर्च करके स्पेशल कीचड़ छपाक जीन्स खरीदते हैं। आप इस मिट्टी की जीन्स को कितना भी रगड़ लो, कितना भी कर लो, पापा पापा ही कप्तान बन के जाओगे क्या? बात कर रहे ना, ये दाग अच्छे हैं, ये कभी नहीं मिटने वाले हैं, क्योंकि ये आते हैं विद फेक मड स्टेन्स, जो सरप्राइजिंगली एक काफी पॉपुलर ट्रेंड बन चुका है। और पता है क्यों? वेल, वो इसीलिए क्योंकि व्हाइट कॉलर वाले आज पहन के आए हो। सोफिस्टिकेटेड लोग जो एकदम टिप टॉप रहते हैं और एकदम टिप टॉप होकर घर लौटते हैं, अक्सर उन्हें लोग देखकर बहुत जज करते हैं। कपड़े तो बहुत साफ लग रहे हैं, न जाने कुछ काम करके भी आया कि नहीं। तो ऐसे दिल के जख्मी लोगों ने इस ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए अपना ही ट्रेंड बना डाला, कीचड़ छपाक जीन्स का। कई अमीरों को जो 5-star ऑफिसर में बैठते हैं, एसी रूम्स में बैठते हैं, उन्हें ये पहन के इल्यूजन ऑफ एफर्ट मिलता है कि हाँ भाई हम भी कुछ करके आए हैं। व्हाट अ जोक, इससे अच्छा तो सच में कुछ काम कर लो। नंबर 7, Zentai। बी रेडी टू फाइंड फेसलेस पीपल।
अब ना तो इनका चेहरा देख सकते हैं और ना ही इनके किसी बॉडी पार्ट को, क्योंकि ये फेसलेस लोग एकदम स्पाइडरमैन की तरह सर से लेकर पैर तक पूरे के पूरे ढके होते हैं अपने टाइट कॉस्ट्यूम में। ये कॉस्ट्यूम इतना टाइट और इतना सील्ड होता है कि आप एक बार सोचोगे कि भाई सांस कहां से लेते हैं। और हाँ, बात निकल से है। और यार चलो वो भी छोड़ो, लेकिन सूसू का क्या, सारा पूरा कपड़ा उतार के कमोड़ पे बैठना पड़ेगा। इन अनजान और फुल बॉडी क्लोथिंग पहनने वाले लोगों का पूरा झुंड होता है और ये जापान में ज़ेंटाई के नाम से बहुत चर्चित है और पिछले कुछ सालों में ये जापान से भी बाहर विदेश में भी काफी ट्रेंड होने लग गए थे। और इन लोगों का मेन मकसद अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान छुपाना होता है। और अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों? Well, बात ये है फ्रेंड्स कि ज़ेंटाइज असल में दिल के बहुत अच्छे होते हैं और सच्चे लोग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सच्चे नहीं हैं, लेकिन इनका मकसद बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह लोगों की मदद करना होता है। एंड फॉर देम स्मॉल स्मॉल हेल्प्स ऑल्सो मैटर अ लॉट। और अब क्योंकि इनकी वेशभूषा इतनी ज्यादा कैप्टिवेटिंग होती है तो ज्यादातर लोग इनके पास सामने से आते हैं, इनसे बातें करते हैं और ये लोग भी एकदम पोलाइट और फ्रेंडली वे में इनसे बातें करते हुए अगर इन्हें किसी भी चीज की मदद चाहिए होगी तो वो मदद उन्हें प्रोवाइड करते हैं। आपको जापान में किसी भी चीज की मदद चाहिए या आप रास्ता भटक गए हो, आस्क देम और ये लोग वेरी काइंडली आपकी मदद हमेशा करेंगे। एकदम हमारे गली के नुक्कड़ पर बैठे हुए पनवाड़ी भैया जैसे। वो है ना अपना लक्ष्मण, अभी भी चोरी चुपके वो ताक झांक करता रहता है। आप पक्का इनको वहाँ लेके जाओ, पता चल जाए। नंबर 8, बनाना अंडरवेयर। अब माल बेचने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आलो ले लो, केले ले लो, और दूसरा होता है चड्डी 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 एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी डिजाइनदार खुशबूदार इज्जतदार चड्डी। और क्या होगा जब दोनों आपस में मिल जाए तो? सोचो सोचो। चड्डी 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 ले लो, केले ले लो। वह कुछ ऐसा अतरंगी माल आपके लोग जो कुछ ज्यादा ही एडवांस किस्म के होते हैं अपने कंफर्ट के लिए और अपनी जीएफ को कंफर्ट दिलाने के लिए।